नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्ध भारत न्यूज। आइए हम आपको जनपद जौनपुर के अंतर्गत तहसील मछली शहर में समाधान दिवस CRO की अध्यक्षता में संपन्न हुए, जिसमें 132 शिकायतों में से 12 का निवारण हुआ। लेकिन हम आपको मछली शहर तहसील का एक ऐसा मामला दिखा रहे हैं जिसमें हल्का लेखपाल मुकेश यादव ने रामपुर सवई गाँव का वृद्ध महिला की जमीन किसी और के नाम दर्ज कर दी। जब उसको पता चला तब वह तहसील मछली शहर में समाधान दिवस पर आकर उप जिला अधिकारी मछली शहर के समक्ष प्रार्थना पत्र देती है और हल्का लेखपाल मुकेश यादव के खिलाफ आवाज उठाती है। तो आइए ले चलते हैं हम आपको अपने रिपोर्टर रवि प्रकाश शर्मा के पास, जो पीड़िता से बात कर रहे हैं और जानते हैं कि राजस्व कर्मियों द्वारा इस तरह की घटना तहसील स्तर से आए दिन हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश शर्मा, आप देख रहे हैं समृद्ध भारत न्यूज। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बता रहा हूँ, रामपुर सवाई गांव का, तहसील मछलीसर थाना पवारा है, जहाँ पे महिला का जो है जमीन किसी दूसरे के नाम पर चढ़ा दिया गया है हल्का लेखपाल द्वारा। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर मामला वहाँ पे है क्या। क्या नाम है आप दादी आपका? इनरावती। इनरावती। पति का नाम? भल्लार। अच्छा, आपका क्या नाम है? रीना। तो क्या दिक्कत है यहाँ पे? सर उस दिन रात को ना 2:30 बजे रात को लगभग वो लोग आके मारपीट किए, मेरी माता को देखो मार दिए, हाथ पैर टूट गया है। ये हाथ टूट? हाँ, हाथ टूट गया है, जबरदस्ती मरा धर दिया, पता नहीं कहाँ के लोग हैं, उनको कब्जा करा रहे हैं। लोग मारे हुए? बिपिन मारा, अतुल मारा, आशीष मारा, ये सारे मिलके मारे हैं। तो बिपिन कौन है? पड़ोसी है सर। पड़ोसी है। हाँ, उसके पिता का नाम? राम प्यारे मास्टर है। राम प्यारे मास्टर। हाँ। तो जमीन जो जिसके लिए झगड़ा चल रहा है तो वो अभी किसके नाम पे है? रोशनी आशीष के नाम से है। ये रोशनी आशीष है कौन? हम नहीं जानते सर उसको। तो आप नहीं जानती है? तो ये आपको पता कब चला कि जो है जमीन उनके नाम पे चढ़ गया? से निकलवाने गए इनकी खतौनी, तब पता चला 5 महीना पहले। 5 महीना पहले। आपके यहाँ हल्का लेखपाल कौन है? मुकेश है, मुकेश यादव। मुकेश यादव। तो अभी मुकेश यादव क्या कहना है? मुकेश यादव कह रहे हैं जो करे हैं हम सही करे हैं, इनके लड़के का लड़के हैं वो, लेकिन सर हम लोग नहीं जानते। उसके बाप का नाम शंकरलाल है, मेरे भाई का नाम कांतलाल है। तो ये जो अभी हुआ है वरासत उनके नाम से हुआ है, तो इनसे पूछ के किए हैं कि बस ऐसे? इनके बगैर पूछे किए हैं, वही बात पूछने के बाद मारपीट करने लगे। कागज पत्र जो हमारे पास था, उनका ID प्रूफ, नाम चेंज करवा के आए हैं, वो सब छीन के लेके भाग गया और मारा, छेड़छाड़ भी किया साहब, लड़की के साथ हमारे साथ माँ का हाथ तोड़ दिया साहब। आप इनकी क्या मतलब? मैं इनकी लड़की हूँ। लड़की? हाँ सर, रात को कम से कम 8-10 बजे की बात है सर, मैं थाने गई, सुनवाई नहीं हुई हमारी। थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई? मेडिकल कराई तब भी नहीं सुनवाई हुई, जौनपुर गई वहाँ से मेडिकल बनवा के लाई तब भी नहीं सुनवाई हुई।
तो आज आप जो है कहाँ यहाँ मछली सर? मैं आई थी तहसील दिवस में। तहसील दिवस? हाँ सर। तो आपने दरखास्त दिया वहाँ पे? हाँ सर। तो क्या बोले वहाँ पे एसडीएम साहब? बोले जांच करवाऊंगा तब बताऊंगा, तुम लोग झूठ बोल रही हो। आप देख सकते हैं मछली सर, आज समाधान दिवस है और यहाँ पे जो है वृद्ध महिला को मार हाथ तोड़ दिया जाता है और हल्का लेखपाल के द्वारा जो है उसकी जमीन जो है किसी और के नाम चढ़ा दिया जाता है, उनको पता नहीं चलता है। इस तरह की घटना जो है तहसील स्तर पे हो रही है और लेखपाल भी जो है इसमें पैसा खा के जो है अपना इधर उधर कर रहे हैं। एप्लीकेशन दे दिए हैं, देखिए इसमें जो है एसडीएम साहब क्या करते हैं। धन्यवाद।